अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कांदा पोहा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई भी रख दी हूँ और तेल भी मैंने यहाँ पे रख दी। एक बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया था, गरम के लिए रख दी। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें सब चीज़ें डालेंगे। तेल हल्का गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे राई। थोड़ी सी राई डाली हूँ, थोड़ा सा जीरा। अब इसको थोड़ा सा चट होने देंगे। कांदा पोहा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ते में भी आप इसको फटाफट बना के खा सकते हैं और शाम के नाश्ते में भी फटाफट बना के खा सकते हैं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद रहता है ये कांदा पोहा। तेल गरम हो गया है, राई भी हमारी चट हो रही है। अब इसमें मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा कांदा, इसको बारीक चॉप कर लिया है, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली थी, इसको भी बारीक काट ली हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे दोनों। और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता ये भी इसमें डाल देंगे तेल के साथ में, ये प्याज के साथ में। अब इसके साथ में मैं डाल दूंगी एक छोटी बाटी मैंने सेंग दी हूँ, ये भी इसमें डाल देंगे। ये भी इसके साथ में हो जाएंगे। ये देखिए, और प्याज को एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्की करना है। सेंग भी इसमें देखिए हो रही है, अलग से हमको इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं, उसी में ही हो जाती है। और मैंने जो पोहा ली हूँ, मोटा वाला जो कांदा पोहा का जो पोहा आता, मैंने वो ही ली हूँ और कम से कम 1.5 किलो ली हूँ। मैंने उसको 2-3 पानी से धो के छन्नी से उसका पानी निकाल कर सूखा कर लिया था। अब डालते वक्त मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब गैस को मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। इसमें डाल देंगे छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप डालते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका अदरक लहसुन का टेस्ट है ना, इसमें बहुत अच्छा आता है। और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग बनाए तो अपने हिसाब से डाल दें 1/2 चम्मच। देखिए, अब यहाँ पर डाल देंगे हम पोहा, ये 1.5 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको हम इसमें डाल के मिला लेंगे। पानी देखिए एकदम नहीं, एकदम सूखा है, कैसा भूर भूरा, ये देखिए हाथ में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं लग रहा है इसमें। ऐसा ही होना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए। जब हम इसको 2-3 पानी से धोते हैं तो पानी एकदम इसका छन्नी से निकाल लेना चाहिए, तो कांदा पोहा अच्छा बनता है। अब इसको हम सब मिलाते हुए जाएंगे। मैंने गैस को स्लो ही रखी हूँ, कम रखी हूँ, नहीं तो कैसा है, जल जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी कोथमीर।
ये देखिए थोड़ी कोथमीर भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिलाते भी जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट कर दी मैंने, अच्छे से मिला लो इसको। ये देखिए फटाफट इसको मिलाना पड़ता है, नहीं तो नीचे लग भी सकता है। इस तरीके से हम इसको मिलाते जाएंगे और इस टाइम हमें ना थोड़ा सा चख लेंगे, अगर इसमें नमक की कुछ कमी है तो डाल देंगे। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ अपने हिसाब से। अगर बच्चे लोग के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चे लोग के लिए, तो फिर मिर्ची आप अपने हिसाब से डालना। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर मिर्ची भी, जैसा बड़े लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं और छोटे बच्चे कम खाते हैं, तो वो हिसाब से आप मिर्ची का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया। अभी मैं इसको ढक के ना 1 से 2 मिनट खाली पकने दूंगी और फिर उतार लूँगी। ये देखिए ढकनी लगा के हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको पका लें। चलिए देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है माशाल्लाह। अब मैं इसको निकाल के आपको बताती हूँ। चलिए देखिए मैंने प्लेट में भी निकाल के आपको बता दिया। अब इसके थोड़ी से हम कोथमीर डालेंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और नींबू मैंने बनाने के टाइम नहीं डाला, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी को नींबू पसंद रहता है किसी को नहीं रहता, इसलिए मैं अभी नींबू इसमें थोड़ा सा निचोड़ दूँगी। और जब आपको खाना है तो आप अपने इसमें प्लेट में या प्याली में निकालते उस टाइम पर नींबू डाल के आप खा सकते हो। तो ये देखिए तैयार हो गया है और जैसे मैंने बनाया इसी तरीके से आप लोग बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।